सुरजन एके बंसल हत्याकांड में हथियारों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फुटेज में वारदात को अंजाम देकर भागते दिख रहे हैं अपराधी। सीसीटीवी फुटेज में जैकेट और जींस पहने दिखे अपराधी। सभी ने चेहरा छिपाने के लिए पहना था नकाब। डॉक्टर बंसल का रसूलाबाद घाट पर किया गया अंतिम संस्कार। बड़े बेटे ने अर्पित की मुखाग्नि। सर्जन की हत्या के बाद से इलाके में तनाव। बदमाशों ने अस्पताल चेंबर में घुसकर मारी थी डॉक्टर बंसल को गोली। सर्जन की हत्या के खिलाफ इलाहाबाद में सड़कों पर उतरे डॉक्टर। एक दिन की हड़ताल का किया ऐलान। पीलीभीत में चेकिंग के दौरान ड्राइवर गाड़ी से 44 लाख की नकदी जब्त। हिरासत में दो लोग। यूपी के शामली में चेकिंग के दौरान कार से 4 लाख की नई करेंसी बरामद। दो युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के गाजियाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। 3 पिस्टल के साथ दर्जन भर हथियार बरामद। चुनाव में इस्तेमाल होने का शक। यूपी के गोंडा में भी अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश। हथियार तैयार करता एक शख्स गिरफ्तार। 3 तमंचे जब्त। यूपी के गोंडा में स्कॉर्पियो गाड़ी से 2,57,000 बरामद। गाड़ी पर लगा था कांग्रेस का झंडा। यूपी के हाथरस में वाहन चेकिंग के दौरान स्विफ्ट कार से 3,12,000 बरामद। दो लोग हिरासत में। यूपी के हापुड़ में गाड़ी से 20 लाख रुपए की नकदी जब्त। 500, 100, 50, 2 के 20 के नोट शामिल। दो लोग हिरासत में। यूपी के गोंडा में 190 देसी बमों के साथ दो गिरफ्तार। पुलिस ने पानी में डालकर डिफ्यूज किए बम। यूपी के मथुरा में बीएसपी जिलाध्यक्ष गाड़ी से 5 लाख रुपए बरामद। चेकिंग के दौरान जब्त हुई। गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। नोएडा सेक्टर 58 में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती को सिरफिरे ने मारा चाकू। फोर्टिस अस्पताल में इलाज के बाद दिल्ली रेफर। यूपी के पीलीभीत में चेकिंग के दौरान 70 लाख की नकदी बरामद। बक्सों से भरे थे नए नोट। यूपी के कानपुर में सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। कार का शीशा तोड़कर 30,000 रुपए से भरे बैग पर चोरों ने किया हादसा। यूपी के चंदौली में जमीनी विवाद में पिता बेटे की गोली मारकर हत्या। गांव के बाहर सड़क किनारे पड़ा मिला शव। यूपी के शामली में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। कैराना की अवैध फैक्ट्री में बनाए जा रहे थे करीब 203 तमंचे और बंदूक। यूपी के जौनपुर में रोडवेज बस ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद मौके से फरार हुए बस ड्राइवर और कंडक्टर। गुस्साए लोगों ने की बस में तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के सागर में वनरक्षक कर्मी की घिनौनी करतूत। छात्रा के साथ किया गैंगरेप। खाकी वर्दी की आड़ में पुलिस वाला बनकर छात्रा और उसके दोस्त को रोका। पूछताछ के बहाने किया रेप। पुलिस ने हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टोल प्लाजा पर वाहन चालकों ने की तोड़फोड़। सड़क की खराब हालत को लेकर हुआ विवाद। यूपी के मुरादाबाद में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़। 11 तमंचे, कारतूस बरामद। एक गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में बच्चा चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई। लोगों की भीड़ ने बरसाए लात घूंसे। अस्पताल में अपनी मां के साथ बीमार पिता को देखने आई थी बच्ची। बहला फुसलाकर साथ ले जा रहा था आरोपी। यूपी के देवरिया में गैस सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा। पिता बेटे की मौत, दूसरा बेटा गंभीर रूप से झुलसा। हरियाणा के जींद में सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की वारदात। युवक पर दिन दहाड़े गोली मारकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। आतंकी बुरहान वानी पर फिर खुली पाकिस्तान की पोल। फैसलाबाद में लश्कर चीफ हाफिज सईद की रैली में दिखे बुरहान वानी के पोस्टर। 13 जनवरी को पाकिस्तान के फैसलाबाद में बुलाई गई थी रैली। सूत्रों के हवाले से खबर। रैली में कठुआ और पुंछ लॉन्च पैड्स के कमांडर भी हुए शामिल। वीडियो में हिंदुस्तान के खिलाफ हाफिज ने फिर उगला जहर। कश्मीर की आजादी के लिए समर्थकों से लड़ाई जारी रखने का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। 4 पाक आतंकियों को सुरक्षा बलों ने खदेड़ा। एक के ढेर होने की खबर। सुबह होते ही सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। तारना नाला से भारतीय सीमा में घुसे थे आतंकी। नोटबंदी लागू करने के तरीकों पर सामने आया आरबीआई कर्मचारियों का असंतोष। गवर्नर उर्जित पटेल को लिखी चिट्ठी, कहा अपमानित महसूस कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजॉन ने किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान। स्लिपर पर छापी फोटो। इससे पहले तिरंगे वाली दो मैच को लेकर खड़ा हुआ था विवाद। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के कड़े रुख के बाद हटाया गया था विज्ञापन। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी
रणनीति की फाइनल। पीएम मोदी करेंगे 12 रैलियों को संबोधित। अभियान में स्थानीय नेताओं को मिलेगा अहम भूमिका। यूपी की समाजवादी सरकार पर बीजेपी के नारे से किया बार गुंडागर्दी के ठेकेदार नहीं चाहिए सपा सरकार। समाजवादी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह विवाद को लेकर चुनाव आयोग ने सुनवाई की पूरी। ईसी ने सुरक्षित रखा फैसला। चुनाव आयोग ने 5 घंटे तक सुनी दोनों गुटों की दलीलें। सोमवार तक फैसले की उम्मीद। मुलायम ने खुद को अध्यक्ष बताकर मांगी साइकिल। अखिलेश गुट ने दी 2/3 समर्थन की दलील। करीब है कि हम जल्द से जल्द फैसला करें। अब चुनाव आयोग जो भी तय करेगी वो मंजूर होगा। करीब 2 महीने बाद आमने सामने हुए तीनों भाई मुलायम और शिवपाल के सामने। अखिलेश गुट की ओर से राम गोपाल ने संभाला मोर्चा। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की नई लिस्ट। 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। अमृतसर पूर्व से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सिद्धू। पत्नी ने दिए संकेत, कहा जल्द होंगे कांग्रेस में शामिल। सत्ता में लौटी कांग्रेस तो शराब पर नहीं लगेगी पाबंदी। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले राज्य को मिलता है बड़ा राजस्व। केजरीवाल पर सुखबीर सिंह बादल का निशाना, कहा पंजाब का सीएम बनकर पानी को दिल्ली और हरियाणा ले जाने की है योजना। पंजाब में राजनीति से जुड़ने वाले गायकों और अभिनेताओं पर चुनाव आयोग की गाज। टीवी रेडियो पर परफॉर्मेंस बैन। खादी आयोग के कैलेंडर में मोदी की तस्वीर को लेकर सियासत गर्म। कांग्रेस ने की माफी की मांग। नहीं है, ये निंदनीय है, अशोभनीय है। प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। खादी ग्राम उद्योग के कैलेंडर में पीएम की तस्वीर पर ममता बैनर्जी ने भी कसा तंज, कहा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, मोदी जी क्या हैं। खादी ग्राम उद्योग के कैलेंडर को लेकर केजरीवाल का हमला, कहा चरखा काटने की एक्टिंग से कोई गांधी नहीं बन जाता। खादी ग्राम उद्योग के कैलेंडर पर बीजेपी की सहयोगी शिवसेना का भी ऐतराज। बापू की तस्वीर हटाने पर जताया विरोध। आज कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में होगी संघ प्रमुख की रैली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी इजाजत। संघ प्रमुख की रैली को लेकर हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को भेजा अवमानना का नोटिस। 2 हफ्ते में देना होगा जवाब। 11 जनवरी को संघ की याचिका पर हाईकोर्ट ने कमिश्नर को दिया था आदेश। 24 घंटे में याचिकाकर्ता को देनी थी जानकारी। कोलकाता पुलिस ने ब्रिगेड ग्राउंड में रैली की इजाजत देने से मना किया, लेकिन कमिश्नर की जगह ज्वाइंट कमिश्नर ने भेजी चिट्ठी। खत्म हो रही हार्दिक पटेल की राज निकाला की मियाद। 17 को गुजरात के हिम्मतनगर में करेंगे रैली। हज में सब्सिडी को लेकर सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दी जानकारी। बीएसएफ जवान के शिकायती वीडियो के बाद आर्मी के लांस नायक का वीडियो वायरल। अफसरों पर जूते साफ करवाने का आरोप। सोशल मीडिया पर लांस नायक का दावा, पिछले साल 15 जून को प्रधानमंत्री को लिखी थी शिकायती चिट्ठी। सोशल मीडिया में जवानों की शिकायत को लेकर गंभीर है थल सेनाध्यक्ष। सोशल मीडिया में नहीं बल्कि सीधे बात रखने की दी नसीहत। शिकायत दर्ज कराने के लिए कमान हेडक्वार्टर में रखी जाएगी शिकायत पेटी। गुप्त रखी जाएगी पहचान। खराब खाने को लेकर जवान की शिकायती वीडियो पर बीएसएफ ने पीएमओ को सौंपी रिपोर्ट। आरोपों को किया खारिज। मदुरई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुलेआम उल्लंघन। किसानों ने किया जलीकट्टू का आयोजन। कोयम्बटोर में जलीकट्टू पर पाबंदी के खिलाफ रेकला रेस का आयोजन। बैलगाड़ी दौड़ाकर लोगों ने जताया विरोध। काले हिरण केस में सलमान समेत 4 आरोपियों को जोधपुर कोर्ट ने जारी किया नोटिस। 25 जनवरी को पेशी के आदेश। हाईवे किनारे जारी रहेगी शराब की दुकानों पर पाबंदी। लाइसेंस की मियाद बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मथुरा में बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में शामिल हुए वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल। मोदी सरकार की उपलब्धियों का किया बखान। यूपी के पीलीभीत में बीजेपी का 3 दिवसीय कमल मेला शुरू। मेले में चारों तरफ दिखे मोदी सरकार की उपलब्धियों के होर्डिंग। पुष्कर में ब्रह्म मंदिर के महंत को लेकर छिड़ा घमासान। साधु समाज और निर्वाणी अखाड़े ने भरी हुंकार, संत समाज से ही हो अगला महत। साधु संतों ने बीजेपी सरकार को दी चेतावनी, नहीं मानी मांगे तो 5 राज्यों के चुनाव में भुगतना होगा खामियाजा। राजस्थान का अलवर अजमेर रेलवे स्टेशन बना उत्तर पश्चिम रेलवे का पहला कैशलेस स्टेशन। आरक्षण से लेकर पार्किंग तक सब कुछ हुआ कैशलेस।
क्रिकेटर हरभजन सिंह ने परिवार के साथ मनाया लोहड़ी का जश्न। पत्नी गीता, बेटी हिनाया के साथ पूरा परिवार हुआ शामिल। भारत पाक सीमा पर जवानों ने मनाया लोहड़ी का त्यौहार, ढोल की थाप पर नाच गाकर मनाया जश्न। जम्मू में भी सरहद पर मनाया लोहड़ी का त्यौहार, मस्ती में झूमे बीएसएफ जवान। दिल्ली से लेकर पंजाब और हरियाणा तक दिखी लोहड़ी की धूम, ढोल की थाप पर थिरके लोग। उत्तर भारत में आज मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्यौहार, वाराणसी में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। श्रीलंका के साथ तीसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पकड़ मजबूत, श्रीलंका ने 4 विकेट पर बनाए महज 80 रन। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में मुंबई की टीम ने की वापसी, आदित्य तारे ने 69 तो अभिषेक नायर ने खेली 91 रनों की पारी। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक शीतलहर का कोहरा। अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर भारत में बढ़ेगा शीतलहर का सितम, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश में हाड़ कपाने वाली ठंड, लखनऊ में 0 के करीब पारा, 3 साल का सबसे कम तापमान। शीतलहर से कांपे उत्तराखंड के पहाड़, जोशीमठ में 0 से 7 डिग्री नीचे गिरा पारा। कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में राजस्थान, सीकर में 0 से 1 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। करण जौहर ने काजोल के साथ दोस्ती टूटने की वजह का किया खुलासा, बायोग्राफी द अनसुटेबल बॉय में पति और एक्टर अजय देवगन को ठहराया जिम्मेदार। करण जौहर ने अपनी बायोग्राफी में लिखा, प्रॉब्लम मेरे और काजोल के बीच में नहीं बल्कि उनके पति और मेरे बीच में थी। ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ने कैटरीना कैफ को किया आमंत्रित, ऑक्सफर्ड यूनियन में बोलने का दिया मौका। रंगून में साथ काम कर रही कंगना रनौत के साथ तनातनी की खबरों को शाहिद कपूर ने किया खारिज, कहा हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, दोनों मिलकर करेंगे फिल्म का प्रमोशन। मां बनने के बाद पहली बार ग्राम पर नजर आएंगी करीना कपूर, फैशन वीक में मशहूर डिजाइनर अनीता डोंगरे की बनेंगी शो स्टॉपर। क्वांटिको सीरियल की शूटिंग में स्टंट के दौरान प्रियंका चोपड़ा का फिसला पैर, आई मामूली चोट। वॉशिंगटन में ट्रंप के उद्घाटन परेड को लेकर सुरक्षा कड़ी, बर्लिन जैसा हमला रोकने के लिए सीमेंट की ट्रक और बस का होगा इस्तेमाल। राजकुमारी मार्गरेट के पूर्व पति लॉर्ड स्नोडन का 86 साल की उम्र में निधन, 1978 में हुआ था तलाक। पेरू में भीषण बाढ़ के बाद ठंड ने ढाया कहर, 18,000 भेड़ों ने तोड़ा दम। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने समंदर में खोजा नया जीव, कैमरे में कैद हुआ रूवी सी ड्रैगन।